एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इंडालो हर्बल हेयर कलर। इसमें कई कलर आते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास जो है वो चेस्टनट है। आप जो है ब्लैक, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, वाइन रेड, जैसा भी आपको कलर चाहिए वो कलर आप इस पर ले सकते हैं। इसमें कई कलर आते हैं, आपका जो हेयर टाइप है आप वो ले सकते हैं। ये हर हेयर कलर के लिए सही है। अगर आपने कलर भी लगाया हुआ है, रूट खाली हो रही है, तब भी आप लगा सकते हो। कोई भी हेयर होंगे, कोई भी टाइप के हेयर होंगे, ये सबके लिए सूटेबल है। ये पूरा हर्बल है, नेचुरल है। इसमें जो भी चीज़ें हैं सब आपको हो सकता है एलर्जी हो, तो पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर करिएगा, उसके बाद इसे यूज़ करिएगा। इसमें अगर मैं बता दूं तो शिकाकाई पाउडर, बहेड़ा पाउडर, आंवला पाउडर, ब्राह्मी पाउडर और हिना है। इन सब चीज़ों से ये पूरा बना हुआ है। इसको लगाने का जो प्रोसेस है वो ये है कि आप जो है पहले अपना शैम्पू कर लीजिए बाल। अगर आपने एक दिन पहले भी किया हुआ है तो आप नेक्स्ट डे जो है अपना सिर्फ बालों का आपको वेट करना है थोड़ा सा, उसके बाद इसे लगाना है गुनगुने पानी में भिगो के। इसमें जितनी भी आपकी हेयर लेंथ है आप उस हिसाब से अपना कलर लीजिए, और उसके बाद आपको जैसे मेहंदी का पेस्ट बनाते हैं वैसे ही आपको बनाना है और अपने बालों में सेक्शन बाय सेक्शन लगाना है। और उसके बाद इसे आप शावर कैप इसमें मिलता है, ग्लव्स आपको इसमें मिलते हैं, आप उसका यूज़ करिए। ग्लव्स पहन के आप कलर लगाइए और फिर उसके बाद अपने बालों को ढकने के लिए, उसको कि कलर जल्दी सूखे ना, तो आप जो है इसमें जो कैप दी हुई है आप उसे यूज़ करिए। और फिर उसके बाद आप अपने बालों को एक घंटा ऐसे कलर पर छोड़ दीजिए। इसके कलर की अगर मैं ड्यू बताऊँ कि कितने दिन ये चला, तो आराम से 10 दिन आपके निकल जाते हैं, टचअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना अच्छा ये कलर है। और बहुत से लोग जैसे मेहंदी लगाते हैं उससे ज़्यादा डार्क चाहिए, तो ये वैसा कलर देता है। मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे जब मैंने इनके कलर लगाए हैं, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे हाथ में कैसा कलर चढ़ा था। तो मेहंदी से भी ज़्यादा डार्क कत्था जैसा कलर था, और कलर डाल लगाने के बाद बहुत ही अच्छा एकदम कलर आया है। इरिटेशन उनको नहीं हुई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी ऐसी महक की प्रॉब्लम नहीं थी। आप चाहें तो सारी चीज़ों का पहले एक बार चेक करें, उसके बाद ही से यूज़ करिएगा। और इसमें कोई किसी को एलर्जी भी नहीं हुई। इसमें बताऊँ तो ये क्रूल्टी फ्री, अमोनिया फ्री और हलाल सर्टिफाइड और वैगन है ये बिल्कुल। तो ये देखते हैं इनके बालों मैंने कैसे प्रोसेस किया, उसके बाद कलर कैसा आया है। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पैकेट सील पैक रहती है, इसकी जिप वाली पैकेट। आप इसको निकालेंगे तो इसके अंदर आपको पैकेट मिलेगा, जितनी आपकी हेयर लेंथ है अपने अकॉर्डिंग उसे लीजिए और फिर उसके बाद फिर से पैक कर दीजिए। और इसे मेहंदी की तरह ही आपको भिगोना है, ना ज़्यादा रनिंग हो ना ज़्यादा एकदम थिक हो। ये देखिए, इनके बाल रूट से काफ़ी वाइट हो चुके हैं, रूट इनकी दिख रही है। अब इसको हम कलर करेंगे सेक्शन बाय सेक्शन। और ये इनके में मेहंदी मैंने लगा दी है, और अब हम इसे एक घंटे के लिए छोड़ेंगे और शावर कैप ज़रूर पहनेंगे। और अगर आपको मैं अपना हाथ दिखाऊं तो ये देखिए मेरे हाथ में कलर कैसा चढ़ा है, बस लगाते लगाते में, तो एक घंटे बाद तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और ये देखिए, धोने के बाद अब इनके हेयर देखिए कितने अच्छा कलर आया है। आई एम श्योर कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट में, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जाके कमेंट ज़रूर करिए और मुझे फॉलो करिए। थैंक यू।